हेलो एवरीवन, दिस इज सोमिल। होपफुली आप लोग ठीक हैं। गाइस, एज वी नो कि कल हमारा आईसीएसआई का सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया हुआ है, एंड मेनली आई एम एड्रेसिंग दो स्टूडेंट्स जिनका सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वगैरह क्लियर नहीं हो पाया है। गाइस, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, दिस विल बी अ शॉर्ट क्लिप। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अब जून के लिए हमको कैसे अप्रोच करना है, वेदर वी शुड गो फॉर मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू और बोथ मॉड्यूल्स के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हम प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ें। उसके पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यार, जिन बच्चों ने क्लियर नहीं कर पाया है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो हमेशा सक्सेस ही मिलेगी। इट इज़ ओके, है ना, होता है यार कभी कभी। हमने कभी फेलियर हो सकता है अपने लाइफ में नहीं देखा और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, उनका भी रिजल्ट हो सकता है कि भाई क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल मॉड्यूल और वॉट एवर इट इज़, एंड है ना, कुछ ना कुछ यार दिक्कत गई होगी। सो अब हमको ये नहीं सोचना है, हमको सोचने का जो है सफिशेंट वक्त मिल गया था, है ना, कल और आज में। अब हमको बार बार यार उसी चीज़ को नहीं सोचना है कि यार क्लियर नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा। सीधी रियल वॉरियर इज़ द पर्सन जो बाउंस बैक करता है। अगर आप क्लियर नहीं होने के बाद भी बाउंस बैक करके आगे बढ़ते हो तो बिलीव मी, है ना, जितना आपका लाइफ के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, वैसे कभी नहीं होगा। एंड प्लीज़ ध्यान रखना कि भाई छोटे मोटे धक्के खाने, है ना, जीवन में थोड़े ज़रूरी भी रहते हैं, है ना, हर लाइफ में, है ना, हर स्टेज में अपने को लाइफ में कहीं ना कहीं धक्के मिलते हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम है ना, हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई उसका अब सोल्यूशन ढूंढना है। अपने को यही नहीं सोचते बैठना है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, है ना, उसका निकल गया, हमारा नहीं हुआ, फ्रेंड का हो गया, हम इतने टाइम से दे रहे हैं। नो, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू इट तो आपको इसमें भिड़ना पड़ेगा। तो इसी बात को मैं यहाँ पर जो है ना आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आगे कैसे हमको यहाँ पर प्लानिंग करनी है। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनेगा, और सब्जेक्ट वाइज भी बच्चों को डाउट रहता है तो मैं पहले बता दूँ, टेक्स्ट को लेकर अमेंडमेंट्स कैसे करने हैं, मैराथन आएगा, रिविजन होगा, सब होगा, तो उसका मैं अलग से एक जो है छोटा सा क्लिप वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वो ज़रूर देखना, उसमें टेक्स्ट की पूरी प्लानिंग मिल जाएगी। FMCMA के लिए अलग से आशीष सर आपका सेशन लेंगे, एंड मोदी सर आपसे शाम को 4:30 बजे मुलाकात करने वाले हैं, ठीक है, टुडे इज़ फ्राइडे, टुडे इज़ सैटरडे, 26th of Feb, और शाम को 4:30 बजे मोदी सर आपसे मुलाकात करने वाले हैं सेकेंड मॉड्यूल की प्लानिंग के लिए, ठीक। लेकिन उसके पहले एक मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे दूँ कि अब हमको फर्स्ट मॉड्यूल के लिए जाना है, सेकेंड के लिए जाना है, या बोथ के लिए जाना है, हाउ वी आर सपोज टू डू दैट। तो प्लीज़ आप स्क्रीन में ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर June 22 एग्जाम्स जो अपने पास आने वाले हैं, इसमें तीन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आप किस में फॉलो करते हो तो प्लीज़ बहुत ध्यान सुनेगा। फर्स्ट वन कैन बी, हो सकता है कि यू आर ऑलमोस्ट डन विथ योर सेकेंड मॉड्यूल। तो जिन्होंने फर्स्ट मॉड्यूल के एग्जाम दिए थे एंड सेकेंड मॉड्यूल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है 70-80%, तो आप इस सिचुएशन में हैं कि आप बोथ मॉड्यूल दे सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस कि अगर आपने फर्स्ट मॉड्यूल में प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं की थी, प्रॉपर आपने रिविजन नहीं किया था, प्रॉपर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, प्रॉपर स्कैनर सॉल्व नहीं किए थे, अभी भी इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी पिछले बार मिस्टेक्स क्या हुई थी। हम मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करेंगे, किसी और को देख के हम बोथ मॉड्यूल के पीछे जाएंगे, ये हमको लगेगा कि भाई 3 महीने बचे हैं ना, बोथ मॉड्यूल हम कैसे भी करके दे देते हैं, क्लियर हो जाएंगे, प्रोफेशनल पहुंच जाएंगे। अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो तो प्लीज़ हड़बड़ी मत करो। अगर कुछ गलतियाँ आपसे ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं तो प्लीज़ उनको रिपीट नहीं करना है, अधूरी तैयारी करके एग्ज़ाम नहीं देना है। सिंपल फंडा यार, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी ना कुछ तो मिस हो गया होगा। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग कम किया था, टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, राइटिंग प्रैक्टिस कम थी, बट समथिंग वॉज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग था। एंड आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आपकी गलतियां आपको पता होगी, है ना, मैं यहाँ पर बैठ के नहीं बता पाऊंगा, सो यू नो योर सेल्फ बेटर। तो प्लीज़ ये बात आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आप सेकेंड मॉड्यूल, अगर आपका 70-80% प्रिपरेशन हो चुका है, या हो सकता है पूरा ही हो गया हो, आपने लेक्चर्स प्रॉपरली देख रखे हैं, तो आप सेकेंड मॉड्यूल अलॉन्ग विद द फर्स्ट मॉड्यूल आप दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोशिश यही करना कि जितने आप सेकेंड मॉड्यूल के लेक्चर्स देख चुके हो या देख रहे हो, डेली बेसिस पर वो रिवाइज हो रहे हैं, एंड फर्स्ट मॉड्यूल के लिए आप डेली 3-4-5 घंटे अप्रॉक्सीमेटली पढ़ रहे हो, अगेन स्कैनर्स वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब इसमें प्लीज़ आप ये भी बात ध्यान रखेंगे कि पहले ना कोई एक मॉड्यूल स्ट्रॉन्ग कर लेना। अगर आप बोथ मॉड्यूल के लिए जा रहे हो ना, तो दोनों मॉड्यूल को साथ साथ में मत चलाना, है ना, इसके भी दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके भी दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऐसे मत करो, है ना। आप किसी भी एक मॉड्यूल को पहले श्योर शॉट स्ट्रांग बना लो कि भाई अपने को इसमें तो पास हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले एकदम उसको श्योर शॉट आप स्ट्रांग बना लो, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड मॉड्यूल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड वाले जो यहाँ पर कैटेगरी हो सकती है कि जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिए थे, अभी फेब आ चुका है, लेकिन
हम सेकंड मॉड्यूल प्रिपेयर कर रहे थे लेकिन इतना नहीं कर पाए। अगर अपने को लगता है कि सेकंड मॉड्यूल की प्रिपरेशन 50% अप्रॉक्स है और ना कहीं 30 से 60% वगैरह के बीच में है और या इवन 70% भी है, और आपको लगता है कि नहीं यार अभी सेकंड मॉड्यूल में इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर फर्स्ट मॉड्यूल, है ना। हम उन्हीं की बात करें भाई, ऑफकोर्स क्लियर नहीं हो पा रहे, ठीक है। नाउ इट इज़ बेटर टू गो फॉर फर्स्ट मॉड्यूल। तो आप बस एक कोशिश करें कि फर्स्ट मॉड्यूल में जो आपने तैयारी की थी अब उसको और स्ट्रॉन्ग करो, ना टेस्ट सीरीज, रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह सब करो, फर्स्ट मॉड्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। सेकेंड मॉड्यूल अगर आपका बीच में आपको लगता है कि नहीं यार अभी पढ़ भी लेंगे, लेक्चर्स देख भी लेंगे लेकिन रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो अभी उस पर जंप मत करो। और प्लीज़ किसी को देख के एग्जाम नहीं देना है, कोई दे रहा है नहीं दे रहा है अपने को मतलब नहीं है, ये अपनी जर्नी है, अपने को डिसाइड करना है, परफेक्ट है। तो फर्स्ट मॉड्यूल आप जो है उसके लिए जाएँ वो ज़्यादा बेटर होगा। एंड इफ़ पॉसिबल तो FM एंड CMA कंप्लीट करके रखें। अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख देख के अपने जून एग्जाम तक FM CMA कंप्लीट करके रखें, ताकि फिर वो दिसंबर एग्जाम आएगा तो वहाँ पर एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। बट अगेन दी फोकस शुड बी ऑन दी फर्स्ट मॉड्यूल, है ना, बहुत अच्छे से करना है आपको। एंड टेक्स्ट में भी चेंजेस आए हुए हैं तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह होंगे तो आप उसकी चिंता नहीं करेंगे। एंड देन यहाँ जो आपका नेक्स्ट वाला मुद्दा है, जिन्होंने सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट ही नहीं किया है ना, जिन्होंने ये जो 50-60 डेज है उन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है अभी तक, है ना, फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा था फिर इतना प्रिपरेशन नहीं हो पाया, 10-20% ही अपने प्रिपरेशन हुआ या अपने स्टार्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल के लिए ही जाना है। एंड अगेन मैं वापस से बार बार दोहरा रहा हूँ, स्कैनर करने हैं आपको, टेस्ट सीरीज करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत प्रॉपर करनी है, सेल्फ स्टडी के नोट जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, है ना, वो सब आपको करना है, ठीक है। तो अगेन आप फर्स्ट मॉड्यूल के लिए ही जाएँ। एंड अगेन अगर पॉसिबल है तो आप FM CMA कंप्लीट करके रखें, अगर वक्त है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल है तो जितना हो सकता है करके रखें। अगेन दी प्रायोरिटी शुड बी एनी वन ऑफ द मॉड्यूल, फर्स्ट आपको पसंद हो, सेकंड आपको पसंद हो, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग करो। मतलब आपका ऐसा स्ट्रेंथ होना चाहिए किसी एक मॉड्यूल में एटलीस्ट कि भाई इसमें से तो अपन फाड़ ही देंगे, है ना भाई, 400 नंबर का पेपर है तो अपने 300 आने चाहिए, 325 आने चाहिए, इस लेवल की प्रिपरेशन पहले एक मॉड्यूल के लेके जाना। तो है ना, ये आपको इस तरीके से मॉड्यूल वाइज अप्रोच करना है। सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज अलग अलग सेशंस लेंगी, है ना, विद इन अ डे और टू सारे के सारे सेशंस हो जाएंगे, तो आपको बस यहाँ पर जो है स्टे ट्यून्ड रहना है। एंड ओवरऑल प्लीज इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस जो है बच्चे क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं, टेक्स्ट का हो, FM का हो, CMA का हो, ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं कॉन्सेप्ट का प्रोविजन, फिर क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है अगर पहले नहीं किए तो, है ना, सेल्फ स्टडी के हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर बनाओ, जिस चैप्टर में ज़रूरत है, जिस कॉन्सेप्ट में ज़रूरत है वहीं पर बनाओ, 100% पूरे सब्जेक्ट की बनाने की जरूरत नहीं है, उतना वक्त भी नहीं है, उतना रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। थर्ड, राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, फैकल्टीज भी यहाँ पर जो राइटिंग प्रैक्टिस लेती है, तो उसमें आप एटलीस्ट ज्वाइन करो या एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करो, उससे आपको बहुत समझ में आएगा कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी कैसे करना है, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गलतियाँ अगर आप अपनी जब तक एनालाइज नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ICSI से आपको अपनी प्लीज कॉपीज मंगा लेनी है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको नंबर कम मिले हैं, आपको लगता है कि नहीं है ना बहुत अच्छा गया था, या फिर नंबर नहीं भी मिले, तो प्लीज़ एक बार ICSI से कॉपीज मंगा लेना और उसको सजेस्टेड आंसर्स के साथ आप जो है कंपेयर कर लेंगे, ताकि आपको क्लियर हो कि भाई गलतियाँ कहाँ पर हुई है। तो प्लीज़ चिंता ना करें, अच्छे से हम लोग रीप्लान करेंगे, June 22 एनी हाउ हमको क्लियर करना है। सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलेगा, है ना, क्लिप मैं बना दूंगा टेक्स्ट की भी, है ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएगी, बस आपको यहाँ पर जो है खुद पर भरोसा रखना है यार। एंड आपको बस यही सोचना है कि अब नहीं, है ना, अब पढ़ना है, पहले जो हमने टाइम पास किया था, पहले मस्ती की थी, सोशल मीडिया पर टाइम डाला था, जो भी था, अब उसको थोड़ा साइड में रख के, है ना, खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के ड्रीम के लिए हमको काम करना है। एंड बिलीव मी आपकी लाइफ है आप ही के हाथ में, जितनी कड़ी मेहनत आप करोगे उतने जल्दी आप CS बनोगे और उतना आगे आप लाइफ में बढ़ पाओगे। सो मीटिंग वेरी सून, है ना, वापस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि जब टेक्स का मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ, है ना, या फिर आशीष सर वीडियो बनाए, या फिर मोदी सर, अब्बर सर जो भी वीडियो बना रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को भी हम लोग एड्रेस कर पाएँ। ओके, चलिए, ध्यान रखिए अपना गाइस, थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे, है ना, बहुत ही जल्द, विद इन अ डे और टू। चलिए, बाय, थैंक यू सो मच।